विभूतिपुर थाना क्षेत्र के खोकसाहा चौक स्थित रिमझिम स्वीट्स दुकान के पीछे से दीवार तोड़ते हुए विशाल ज्वेलर्स दुकान में बीती रात अज्ञात चोरों द्वारा दीवार काटकर 30,000 के सामान की चोरी कर ली गई, जिससे आक्रोशित दुकानदारों ने दुकान बंद कर सिंधिया, नरहन, खदियाही और कल्याणपुर के सड़कों को बस बल्ला लगाकर जाम कर दिया और टायर जलाकर आगजनी करना शुरू कर दी। जाम स्थल पर आक्रोशित दुकानदारों का कहना था कि लगभग एक वर्ष पूर्व लक्ष्मी सिंगार दुकान और मोटरसाइकिल दुकान में चोरी हुई थी। 3 महीने पहले सद्दाम नामक व्यक्ति का मोटरसाइकिल चोरी हुआ था। वहीं बीती रात विशाल ज्वेलर्स दुकान में दीवार काटकर चोरी की गई। तिजोरी तोड़ने का बार बार प्रयास किया गया, संयोगवश नहीं टूट सका। इस तरह की वारदात हमेशा होती ही रहती है, जबकि पुलिस के गश्ती के साथ साथ चौकीदार की ड्यूटी रहती है, फिर भी घटना पर अंकुश नहीं लग रहा है। दिन पर दिन एक न एक घटना घटती ही जा रही है। जाम की जानकारी पुलिस को दी गई। वहीं स्थानीय पुलिस प्रमुख पति अरविंद कुशवाहा, जिला पार्षद पति अभिषेक अनल, स्थानीय मुखिया ने जाम स्थल पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत और कड़ी कार्रवाई एवं जल्द ही चोरों की गिरफ्तारी वादे के बाद लोगों को शांत कराया, तब जाकर जाम हटी। लगभग एक घंटे के बाद पुनः यातायात बहाल हुआ। इधर जेवर दुकानदार गोपाल सोनी ने विभूतिपुर थाना अध्यक्ष को एक आवेदन देते हुए बताया कि खोकसाहा चौक स्थित रिमझिम स्वीट्स के पीछे से दीवार को तोड़ते हुए मेरे आभूषण दुकान विशाल ज्वेलर्स के पीछे से दीवार तोड़कर अज्ञात चोरों ने चांदी का 2 थाली, 2 ग्लास, 2 कटोरी, 2 वजन करने वाला कंप्यूटर, 1 CCTV का हार्ड डिस्क चोरी कर ली, जिसकी कीमत लगभग 30,000 है। तिजोरी को भी तोड़ने का प्रयास किया गया। इस संबंध में थाना अध्यक्ष चंद्रकांत गौरी ने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। जो भी जिनका डिप्टी था उस पे मान के चलिए जवाब देंगे। क्या आश्वासन मिला है? क्या आश्वासन मिला? 1 सप्ताह का हम लोग को टाइम दिया गया है, आप लोग को इस 1 सप्ताह के अंदर में आप लोग जो भी होगा इसका कार्रवाई होगी। उसके बाद क्या कहा गया चौकीदार के एवज में? चौकीदार के एवज में यही कहा गया, जो भी डिप्टी है उनके कार्रवाई होगी। उनसे पूछताछ जारी है, जारी है सर, कुछ नहीं है। जो भी होगा उनके थाना भी मान के चलिए, जो भी प्रक्रिया हो। क्योंकि जब हम इसकी बात करते हैं बहुत भारी है और जब गिरा होगा तो बहुत तेज आवाज हुई होगी। हाँ, इस चीज को देखना है कि आदमी मिल के लिए हिल नहीं पाता है, छोटी मोटी आवाज नहीं है। बताइए घटना के विषय में क्या जानकारी है आपको? घटना के विषय में जानकारी यही है कि सुबह में अमरेश कुमार आया तो देखा यहाँ पर जो है सो मेरा दुकान का गल्ला तोड़ा हुआ है, तो हमको फ़ोन किया। तो इसके बाद हम आए, तब गोपाल जी को फ़ोन किए, तब वो भी आए हैं, तो बहुत सारा लोग आए हैं। इसके बाद देखा गया है, इसके बाद अधिकारी लोग भी आए हैं, देख के गए। इसके बाद जो है सो जो भी कार्रवाई अब किया जाएगा। कौन है गोपाल जी? कौन थे गोपाल जी? जेवर दुकान के मालिक हैं। मालिक हैं? हाँ। आप? हम तो इस रिमझिम होटल के मालिक हैं। आपको भी कोई नुकसान हुआ के लिए? मेरा ज़्यादा नहीं हुआ है, गला तोड़ के उसमें खुदरा उदरा जो रुपया था वही सब नुकसान है। क्या नाम हुआ आपका? दुर्गेश कुमार। क्या स्वीट्स का क्या नाम है? रिमझिम स्वीट्स एंड चाट कॉर्नर, खोकसाहा बाज़ार। आप कितना बजे यहाँ से चले गए थे? हम 9 बजे यहाँ से गए थे। 9 बजे? उसके बाद की घटना? हाँ, उसके बाद ही घटना है।